गाइस ये चीज का बहुत ज्यादा सीन होता है, तो कभी भी आप अपना डॉग लेके आए तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपना डॉग कंट्रोल कर सके। बस बस क्या बात है, तो ये ब्रीड इन इंडिया ही है मुफासा? इंपोर्टेड शेराइट। वाओ गाइस, सो लगता है कि ग्रूमिंग पे अगर आप अच्छे से काम करो ना तो एनहांस हो सकती है उसके लुक। और इस फेस को देख सकते हैं आप कि आइटर इसके साथ एक फोटो करवानी बनती है भाई। ये क्या लेगी? कैसा लगा? अमृतसर कैरेट क्लब, बहुत अच्छा है। किसको लेके आए आज आप? मैं जोई। लो भी आज हम सर जोई को फिर से दिखाएंगे। वाह, जोई का बेटा भी है, उसका सन है, यही का यही है। वाह, तो चलो फिर पाजी मार को लेकर चलो। एक मिनट रुको, तो गाइस अभी बाहर भी निकालेंगे, बट वो देखो ये कौन सन कौन सा है जोई का? ये जोई है, उसका सन है। इसको पहले एक बार मुझे लगा वो जो है। ओके सो गाइस यहाँ पर हमारे पास तीन चाचाओ हैं, तो इनमें से सभी फ्रेंडली हैं या सभी? अच्छा एक चीज ना, मेरे को स्पेशली मेरे को नेहा पेंट्स है ना, जो भाभी जी घर पे है, मैं उनमें एक एक्ट्रेस है हमारी दीदी, उनका मुझे टेक्स्ट आया था। वो उनके पास एक चाइनीज चाओचाओ है, वो अग्रेसिव है, तो उन्होंने जब ये वाले चाओचाओ आप चाओचाओ लेस अग्रेसिव होते हैं, ये चीज कितनी करेक्ट है? ब्रदर एक्चुअली बात है कि जो चाइनीज है वो उनका फेस ही बड़ा, इतना बड़ा होता है, उनको दिखाई नहीं देता प्रॉपर। उस वजह से मोस्टली के मतलब ये राहुल भाई के पास है, यहाँ देहरादून के ही है, इनका पपी है ये। ओके, इसका सन है ये, ये और राहुल भाई के पास रखा हुआ है, अभी यहाँ पे रुके थे। कम मेरे को मालूम है, एग्रेसिव कम है आपके हिसाब से, क्योंकि आपको तो इतने सालों से एक्सपीरियंस है। कुछ नहीं बोलते यार, ये एग्रेसिव क्यों? इसको देखना, ये इसकी शक्ल बता रही है कि ये शरारती होगा पक्का। बट ये चीज तो माननी पड़ेगी, जितने बेस्ट चाव चाव मैंने भैया के पास देखे हैं कहीं नहीं देखने को मिलते। सो पाजी आपके पास ये चाव चाव था जो कि जोए का बच्चा, ये मतलब एग्रेसिव रहते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है, बिल्कुल मतलब इससे पहले कोई डॉग था आपके पास? हां जी। और सभी ब्रीड से तो फिर कम एग्रेसिव लगा या कैसा लगा इसका टेम्परामेंट, या और कैसा रखने में आपको मतलब? बिल्कुल भी नहीं है, सही रखने में सही लगा, उल्टा आप इधर ही रहते हो तो यहाँ पे टेम्परेचर भी सही रहता है, राइट? वाओ, सो यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग केन कोर्स है, तो इसका साइज और ये प्रॉपर ब्लैक है, थोड़ा सा वाइट है, राइट? तो ये हाँ, तो ये गौरव भैया है जो हमारे शाहबाद वाले, उनके डॉग का बच्चा है, हमने उसकी वीडियो भी बनाई थी। और कैसा है टेम्परामेंट, कैसा है? बहुत बढ़िया। अच्छा जिस हिसाब से ब्रीड है उस हिसाब से मतलब इतना नहीं अग्रेसिव दिखने, बहुत अग्रेसिव है लग रहा आपको? नहीं यार, ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। इधर आए, क्या नाम है इसका? लियो। वाओ, और ये डॉग अगर चाहे मुझ जैसे भाई जैसे डॉग इंसान को एक बार के लिए गिरा सकता है, अच्छा खासा खींच सकता है। बहुत सही लग रहा है। और सबसे अच्छी बात मुझे तो इसको लगी देख के कि इसके जो ईयर्स हैं वो नहीं किए हुए, एंड वो बहुत प्यारा लग रहा है। सो गाइज यहाँ पर वही वाला बॉक्सर है जो हमारे को लास्ट मिला था अभी लुधियाना डॉग शो में, राइट पाजी? सो आज आज क्या वो लगा है इसका? आरबीओ भी लगी आज। वाओ वाओ, सो गाइज बॉक्सर एक ऐसी ब्रीड है जो कि एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा मस्त बढ़िया रहती है ना। अगर आपकी एक एक्टिव लाइफस्टाइल है, आप ऐसा डॉग चाहते हो जो आपके साथ खेले भी, आपकी एक्सरसाइज भी करवाए और खुद भी मेंटेन रहे, तो वो ये डॉग है। और साथ ही साथ ये जो है ना मतलब मेरे फैमिली में रहा है ये डॉग, और रखवाली में बहुत अच्छे रहते हैं। मैंने एक चीज नोटिस किया कि अगर आपके पास ये बच्चों के साथ इतने कोऑपरेटिव नेचर के, फ्रेंडली नेचर के, प्लेफुल नेचर के पॉइंट, और ये कहीं ना कहीं बुलडॉग भी इनके अंदर ब्रीड है, इस वजह से जो इनकी नॉटीनेस है ना वो बहुत ज्यादा क्रेजी रहती है, और मुझे तो बहुत पसंद आया वाला डॉग। ओले ओले ओले, बिल्कुल मीमी जैसी दिखती है ये, बहुत ज्यादा प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यारी है। सो गाइस यहाँ पर हमारे पास एक बहुत अमेजिंग ब्रीड है, जिस ब्रीड के बारे में ना मैंने एक बार वीडियो जरूर बनाई है, बट फिलहाल मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सो दिस इज अ जैक रसल टेरियर, राइट? ये चीज देखने की नोट करने की है, ये कितनी ऊंचे जो है ना छलांग मार सकते हैं, देखो गाइस। So basically this dog breed is for active lifestyle pet owners, right? He is a compact breed to have an apartment kind of a living, and people who look out for a nice breed with a less maintenance. Point. Yep. A small size, very active, and the guarding sense also will be on the higher side. Yes, exactly. Almost similar to Doberman. Exactly. You just check, I'll take him with any of the dog breed. Just check. Will he fear or not? He'll never fear of any dog. उसको क्या, उसको तो बॉल देख रही है और कुछ नहीं दिख रही उसको।
बॉल दिख रही है वहाँ। सो बेसिकली ये जो डॉग है ये डॉग क्वालिटी शो क्वालिटी का है एंड बेसिकली द बेस्ट डॉग मेरे को मतलब जैक रसल टेरियर बहुत कम देखने को मिले और मेरे को तो बहुत सही लगा गाइस। सो गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमेजिंग जो है ग्रेट डेन आए हुए हैं। वाओ कितनी हाइट होगी सर, कोई आइडिया इनकी? 36, 37। और क्या नेम है इनका? रैम्बो एंड बगीरा। रैम्बो एंड बगीरा, वाओ। दे आर नॉट अग्रेसिव राइट? हेलो बगीरा, बगीरा को देख के सिद्धू पाजी वाला बगीरा याद आ गया, वो भी ग्रेट डेन ही था। और इसको देख सकते हैं आप, इसकी हाइट है, इसके साथ एक फोटो करवानी बनती है भाई। तो बहुत टाइम के बाद हमारे को पुनीत पाजी मिले, कैसे पाजी आप? हाय ऑल, हाउ आर यू ऑल? ऑल गुड पाजी, वाओ। और यहाँ पर बहुत अमेजिंग दो अपने डॉग लेकर आए हैं पाजी, क्या क्या नाम है इनका दोनों का थोड़ा बताओगे? ये न्यू डॉग है। ओके, इंपोर्टेड फ्रॉम फ्रांस। वाओ, और इसका नाम है प्राउड। प्राउड, हाँ जी। और ये होम ब्रीड है जी, ये दीपाशा कैप्टन का बेटा है, इसका नाम है चैंपियन डैनियल। वाओ वाओ वाओ, सो यार ये मेरी फेवरेट ब्रीड है। हेलो वेला बच्चा, अरे 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 अरे, वाओ। सब इनकी रिंग हो चुकी है, ये भी होनी है? हाँ इनकी रिंग हो गई है। वाओ क्या बात है यार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरे इंडिया में पाजी इस टाइम अपने सारे डॉग्स को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, मोस्टली कितने सारे डॉग्स होते हैं मैंने अभी देखा है, पाजी अपने बुलडॉग लेकर जा रहे हैं और जहाँ ये जा रहे हैं ना ये पूरा हंगामा मचा रहे हैं बच्चे भाई, बहुत सही। ओए अरे 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 अरे, ए वाओ क्या बात है पाजी। अच्छा एक चीज़ बताओ कि अभी आपको इतने साल हो चुके हैं स्पेशली फ्रेंच बुलडॉग के, सो आपने कभी इस ब्रीड से अलावा और कोई ब्रीड रखने का क्यों नहीं सोचा? मतलब आई जस्ट वांट टू नो वन रीजन व्हाई यू लव दिस ब्रीड। एक्चुअली यार क्या था, मैंने एज अ पेट पाला था ये पहले, जैसे जैसे हमने खरीदते हैं एक नॉर्मल। यस यस, मेरा कोई मतलब प्रोफेशन का वो नहीं था कि मैं मतलब ब्रीडिंग करूँगा जी, बट मेरे को प्यार इतना हो गया इस ब्रीड से। और दूसरा क्या था, तब जब मैंने ये लिया था तब बहुत ज्यादा रेयर था तो किसी के पास था नहीं, तो मैंने मतलब ये सोच लिया कि मैं इसको थोड़ा पॉपुलर करूंगा ब्रीड को इंडिया में। बिल्कुल, तो इसलिए मैंने कभी मतलब मैंने सोचा नहीं कोई और ब्रीड जाने में, तो इसी के साथ फिर टाइम बीतता रहा, फिर प्रोफेशन आ गया, फिर मतलब ब्रीडिंग चलती रही। तो ये तो अब तो बहुत प्यारे बच्चे हैं ये, बड़े बड़े प्यारा बच्चा है, ये बड़ा प्यारा बच्चा है। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा प्यारा पप्पी आया हुआ है, ये भी मतलब सेमी एडल्ट है। अरे वाह, ये माइनर पप्पी में गया। अच्छा ये 4-5 months का, 5 months का भी। हेलो हेलो, वाह यार इतनी सी एज में कितना अच्छा ट्रेंड है, वेरी वेल ट्रेंड। वाह वो देख रहे हैं उधर, वो जंप कर रहे हैं सभी। अरे वाह कितना प्यार है, कितना प्यार है। अरे 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 वाह, इधर आओ इधर आओ, स्टार आजा आजा मेरा बीचो। अरे 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 अरे, गाइस यहां पे बहुत अमेजिंग एक डॉग आया हुआ है जिसकी ब्रीड है याशा टेरियर, राइट पाजी? सो क्या एज है इसकी और क्या नाम है इस डॉग का? एज है 15 मंथ और इसका नाम है बिंगो। बिंगो, वाओ। सो ये ब्रीड टेरियर ब्रीड में से है, राइट जी? बिल्कुल। वाओ, और कुछ आइडिया है, कुछ और बता सकते हो इस ब्रीड के बारे में? बिलोंग करता है इंग्लैंड से और ये बहुत ही हाइपर एक्टिव ब्रीड है, मतलब एक्टिव ब्रीड है, हमेशा एक्टिव रहने वाली ब्रीड है। वाओ, और इनकी इनका कोट इतना ही बड़ा रहता है? नहीं, डिपेंड ऑन यू, जैसे मेंटेन करेंगे वैसा कोट रहेगा। वाओ, और टेम्परामेंट कैसा रहता है? दिखाने वाला हूँ जो की मतलब वन ऑफ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है शो के मेरे लिए। सो पाजी ये तिब्बतन मस्टीफ लग रहा है, राइट जी? वाओ यार, और तिब्बतन मस्टीफ भी ऐसे नहीं कि चलते फिरते तिब्बतन मस्टीफ, मुझे ये कोई अच्छे खासी लाइनेज से लग रहे हैं, थोड़ा इनके बारे में प्लीज हमें डिटेल दीजिए पाजी। ये वीरा है, 10 मंथ्स ओल्ड। वाओ, ये इसका फादर है मुफासा। क्या बात है, तो ये ब्रीड इन इंडिया ही है मुफासा? ये इंपोर्टेड रशियन रैबिट। वाओ गाइस, सो मतलब यार अलग ही लेवल का। और कितनी एज है इसकी मुफासा की? 2.5, इसका 10 मंथ्स। वाओ, और ये अग्रेसिव है? नहीं फ्रेंडली है जी, प्रॉपर फ्रेंडली है। हेलो, अरे भाई ये सही है, बिकॉज तिब्बतन मस्टीफ मोस्टली लोन जाना जाता है कि अपने एक तरीके से आप कह दीजिए रखवाली के लिए या ऐसी चीज के लिए, और शेर के साथ भी लड़ सकते हैं इनका, मतलब ये चीज़ रिकॉर्ड की गई है। एंड ये इसका क्या, इसका क्या है? फ्रेंडली है ये फासा। अरे भाई बहुत सही, ये चीज़ का बहुत ज़्यादा सीन होता है, तो कभी भी आप अपना डॉग लेके आए तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपना डॉग कंट्रोल कर सके। बस 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 बस, आपको भाई बस बदल के रखो इसको।
तो यहाँ पर मिनिएचर पिंचर है, राइट? ये मिनिएचर पिंचर, वाह। सो यहाँ पर पाजी आए हैं कितनी प्यारी सी ब्रीड लेके। इसका नाम क्या है पाजी? वेरी वेरी। और कहाँ से आए हैं आप? फिरोजाबाद। वाह, तो इसको मैं उठा लूँ? ये फ्रेंडली है? अरे वाह, इधर आओ, इधर तो आना। अरे आजा बाबा, घबरा रही है, घबरा रही। हेलो हेलो। अच्छा गाइस, सो मैं इसको मिलवा रहा हूँ रूबी से, तो ये इससे तो मैं मिलवा ही सकता हूँ। इधर तो देख के आओ ना। नहीं, इधर तो देख, कौन है? वो देख रही है, रूबी देख रही है। कौन है? वाह, बहुत प्यारा है, थोड़ा सा डर रहा है। अरे 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 वाह। सो पाजी, इस ब्रीड के बारे में हमारे को थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से है, कुछ आपको आइडिया है और एग्जैक्ट कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? टू से बिलोंग करती है, वैसे वर्किंग ग्रुप है ये। वाओ, शी सिमिलर लाइक डोबरमैन पिंचर, छोटा डोबरमैन, राइट? यप, करेजियस ब्रीड है काफी। हाँ, डरती किसी से नहीं है एंड शी इज वेरी फेथफुल। और एक चीज है कि इनकी मेंटेनेंस बहुत लो है, राइट? मेंटेनेंस सबसे मेन चीज होती है डॉग्स में, राइट? और इसकी बहुत कम है, मुझे ऐसा लगता है। गाइस, अभी यहां पर एक और अमेजिंग ब्रीड आई है। कैसे पाजी, ये ब्रीड कौन सी है? टॉय पूडल। वाओ, तो यार ये है टॉय पूडल। एक तो टॉय पूडल में ना सबसे मेन ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ग्रूमिंग पे अगर आप अच्छे से काम करो ना तो इनहेंस हो सकती है उसके लुक। और इस पे कितना टाइम लगता होगा ग्रूमिंग पे पाजी? जिस थ्री आवर्स है ना, जिस हिसाब से इसको ग्रूम किया गया है, जैसे इसको पूरा क्वीन बनाया। और ये क्या चीज करा हुआ है यहाँ पे? ये टेपिंग कर रखा है, कान अभी खोलेंगे रिंग के टाइम। अरे मुंह में बाल लेती है ना। अच्छा 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 अच्छा, सही खराब ना करे, सही। वाओ, और आप कहाँ से आए हैं इसको लेके? दिल्ली से। वाह, बहुत अमेजिंग है यार, देख रहे हो इसकी इसकी लुक, देख रहे हो इसकी कटिंग, देख रहे हो? और इसकी कटिंग पे कितना खर्चा हो जाता है, खुद करते हो आप? बाहर से भी करवा लेते हैं, खुद भी करते हैं। अच्छा, वाओ, ये मतलब मुझे तो यार पूरे टॉक शो के ना हो चुके हैं। अच्छा, इंडियन चैंपियन हो चुके हैं? अरे वाह, नहीं आता ये तो रात को योगेश भैया का फोन आ गया कि तेरे को आना पड़ेगा, तो मैं आ गया हूँ। वाह भैया, और इसको लेके आया फिर से बॉय, बॉय, अब तो मैं इसको पहचान गया हूँ, बॉय, व्हाट अ ब्रिलियंट बॉय, क्यूट है यार ये। वाह, और क्या जीता इसने आज? आज ग्रुप और सीसी ग्रुप, और मतलब अपनी पूरी ब्रीड में ये लड़का जितने प्राइस है सब लेगा। बॉय को काट लेगी ये, काट ले बॉय को। बॉय बॉय क्यूरियस है, बॉय सही है, बॉय ये भी एक्टिव लाइफस्टाइल वाली ब्रीड है। जिन लोगों का एक्टिव लाइफस्टाइल है ये उनके लिए स्पेशली ब्रीड। वाओ, लो जी गाइस, यहाँ पर अभी आप पीछे देख सकते हो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लैब्राडोर है हमारे बंटी पाजी। कैसे पाजी? बहुत बढ़िया सर, बहुत टाइम के बाद हम पाजी से आज मिले हैं। और क्या नाम है इसका डॉग का? इसका नाम है स्किपा। स्किपा, ये लास्ट टाइम हमें मिला था या अभी नया है? ये नया है। वाओ वाओ, क्या बात है, ये ब्रीड इन इंडिया है और क्या क्या थोड़ा इम्पोर्ट डॉग है? इम्पोर्ट डॉग है, वाओ क्या बात है। और अभी डॉग शो में इसकी रिंग होगी या अभी होनी है? एक रिंग हुआ, एक बाकी है। अरे एक बाकी है, वाह। कितनी एज है इसकी? 3 साल का भाई। अच्छा, एक चीज़ मैं नोटिस कर सकता हूँ कि ये जो डॉग्स है ना, स्पेशली ये जो लाइन के लैब्राडोर जो आप रखते हो, दे आर वेरी वेल मेंटेन्ड, ज़्यादा मोटे नहीं है। मतलब लैब्रा इसलिए बदनाम है कि वो लेजी होता है और मोटा होता है, तो आपके हिसाब से यही शो? हाँ, ये शो परफेक्ट डॉग है जी। वाओ, ये चीज तो माननी पड़ेगी। यहाँ पर अभी एक और लैब्राडोर आया है, इसका नाम क्या बाजी? रियो। वाओ, और ये भी BI है या मतलब? ये BI है जी। ये BI है, अरे वाह, वो इम्पोर्ट है और ये BI है। और इसकी एज कितनी है? 2.5। और अब इसकी हो गई रिंग, अभी लग चुका है रिंग में। वाओ वाओ, सो गाइस यहाँ पर एक बहुत अमेजिंग लैब्राडोर फीमेल भी है पाजी के पास। इसकी इसका नाम क्या पहले तो ये बताओ पाजी? रैना। और इसकी एज? 2.5। वाओ, और इसको कितनी सीसी मिल चुकी है अभी? 3 सीसी। सो बेसिकली अभी ये ऑलमोस्ट चैंपियन रेडी है ना? तो मेरे ख्याल से 3-5 सीसी हो गया चैंपियन, 4 सीसी हो गया। वाओ, पहले 3 सीसी में चैंपियन हो जाता था डॉग, और अभी थोड़े 1 सीसी के बाद ये इंडियन चैंपियन बन जाएगी। और व्हाट अ लवली गर्ल, फ्रेंडली है, राइट? अरे बिचोली, बहुत प्यारा कोट है इसका, बहुत ज़्यादा। अरे अरे अरे, कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है। वाओ, ये BI है? वाओ, क्या बात है। BI का मतलब होता है ब्रीड इन इंडिया, सो ये ब्रीड इन इंडिया है और इंडिया में ही पैदा हुई है और बहुत ज़्यादा प्यारी है। I got this gift from my very close friend Mr. Mickey from Patiala. Wow, क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही। ओए, Bunty is taking care of it. अच्छा, great. Actually, इनकी है ये. Hello.